फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के हनुमान मंदिर पर एक बड़ा मामला देखने को मिला है, जहां पर जन्माष्टमी को लेकर सजाई गई झांकी के पास ही एक पंडाल में बारवालाओं का डांस कराया गया। बारवालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले पर हिंदू महासभा ने भी कड़ी चेतावनी जारी की है। आपको बताते चले, फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में भोलेपुर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर बारवालाओं का डांस कराया गया, जिसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की, भक्तों ने आपत्ति की, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बारवालाओं के डांस का विरोध किया। फर्रुखाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोलेपुर स्थित हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर के पास सजा बारवालाओं का टेंट, बारवालाओं के धार्मिक गीतों पर अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वायरल वीडियो पर हिंदू महासभा भड़की, युवा प्रदेश अध्यक्ष ने दी चेतावनी। वायरल हो रहे वीडियो शहर में बने चर्चा का विषय। युवा प्रदेश अध्यक्ष विमल मिश्रा ने मंदिर प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप, तो वहीं मंदिर के संत बालक दास पर भी लगाए गंभीर आरोप। किसी भी कीमत पर धार्मिक स्थलों के पास ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं। हिंदू महासभा फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भोलेपुर स्थित हनुमान मंदिर का है पूरा मामला। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है विमलेश मिश्रा ने वीडियो वायरल होने के बाद। देखिए कल की घटना है, कल रात की जो हमें सूचना मिली रात में लगभग 11 बजे के बाद, कुछ भाइयों ने वीडियो बना के भेजी। जो घटना हमारे फर्रुखाबाद स्थित भोलेपुर में हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, वहाँ एक महाराज जी हैं हमारे बालक दास जी महाराज। उस मंदिर के ठीक बाहर एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया, जिसमें कि बारवालाएँ नाचती हुई साफ नज़र आ रही हैं उस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने एक रात में ही, जब पहुंच नहीं सका क्योंकि वो रात बहुत हो गई थी जब तक हमें सूचना मिली, और तो मैंने उसी समय रात में लगभग 12-1 बज रहा होगा, तभी एक वीडियो जो आ गई थी मेरे पास वो वायरल की थी, डाल दी। उससे एक चेतावनी दी कि ये बहुत ही गलत है, और हमारे जो हनुमान जी आराध्य भगवान है, हनुमान जी उनके मंदिर के जस्ट बाहर, जो सिद्ध मंदिर है हमारा, उसके बाहर इस टाइप की जो बार वालाएँ नाच रही हैं और अश्लीलता फैल रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उनसे कहा था कि बालक दास जी महाराज से बात करिए और इसको बंद कराइए, तो वो भाई लोग हमारे जब अंदर गए तो उन पे भी बालक दास महाराज जी भड़क गए और बोले कि मैंने इसकी परमिशन ली। ठीक है, आपने परमिशन ली होगी, लेकिन आपने भगवान जी का कार्यक्रम करने की परमिशन ली होगी, या जन्माष्टमी मनाने की परमिशन ली होगी, या कोई भी भगवान के स्वरूप पे नाचना या भगवान के गाने बजवाने पे परमिशन ली होगी, लेकिन भगवान के गाने पे बार वालाओं को नचवाना, इस बात की परमिशन हमें लगता किसी ने आपको नहीं दी होगी। तो हमारा कड़ा विरोध है, हिंदू महासभा का कड़ा विरोध है कि इस टाइप की जो घटना हुई है, ये बालक दास जी महाराज जी इस पर माफ़ी मांगे, और या तो वो कहें कि मेरी ये गलती हुई, अपनी गलती को सुधारें। हमारे किसी भी भगवान के मंदिर के ठीक बाहर या मंदिर का नाम लेके इस टाइप की घटना कभी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत है, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा कभी कदापि नहीं होना चाहिए। और अगर इस टाइप की घटनाएं नहीं रोकी गई तो हिंदू महासभा इस पर कड़ा विरोध जाहिर करते हुए जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए हमारे संत होते हैं और संत ही इस टाइप का काम करेंगे तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है ये कृत्य जो हुआ है। पूरी जानकारी तो हमें नहीं थी, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से दिख रहा है वो बिल्कुल ही निंदनीय है और गलत, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। जय श्री राम।